आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने चार मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो घोर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है मैं देख रहा हूं लोग ही लोग हैं। भाइयों बहनों, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इतनी बढ़िया रैली हो गई, सोनभद्र ने दम दिखा दिया, अब जाकर के सो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना? ऐसा नहीं होगा ना? जब तक मतदान पूरा नहीं होता है हमें घर घर जाना है। जाओगे? घर घर जाओगे? अच्छा मेरा एक काम करोगे, हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? सच्चे दिल से करोगे? पक्का करोगे? जरूर मेरी एक इच्छा है, अगर आप मेरे सब साथी ये मेरा काम करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। करोगे? पक्का करोगे? देखिए घर घर जाइए, सभी मतदाताओं को मिलिए और उनको कहिए मोदी जी सोनभद्र जिले में आए थे और आपको उन्होंने प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? मेरे लिए उनका आशीर्वाद ले लोगे? देखिए इन सबके आशीर्वाद वही मेरी ऊर्जा है, वही मेरी ताकत है। तो इतना काम करोगे ना?